Hey guys, welcome back to my YouTube channel। दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर केवल 57,000 लोग ही बसे हुए हैं और यहां पर पैसे के रूप में यूरो का भी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि ये देश भारतीय लोगों के लिए ज्यादा महंगा भी नहीं है। दोस्तों ये देश इतना ज्यादा बड़ा है कि इस देश में इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश भी समा सकते हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंट्री का नाम है ग्रीनलैंड। दोस्तों इस देश में आप रात के 12 बजे के बाद भी सूरज की रोशनी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड का पूरा 80% भाग केवल बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है। दोस्तों ये देश उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आइसलैंड और कनाडा के बीच में बसा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें ग्रीनलैंड में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर डेनिश क्रोन चलती है, जो एक डेनिश क्रोन हमारे भारत देश में करीबन 11 रुपए के बराबर है। दोस्तों इस देश में वैसे तो कानूनी रूप से वेश्यावृत्ति जैसे कामों को करना एक अपराध माना जाता है, लेकिन इस चीज को यहाँ पर पैसे देकर इसे खरीदा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस काम से जुड़ी हुई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ पर आज के समय में भी एक भी रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आपको इस देश में हाईवे तक देखने को नहीं मिलता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीनलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से प्रत्येक साल रास्तों को बदलना पड़ता है। दोस्तों जब दिमाग में ग्रीनलैंड का ख्याल आता है, तो मन में ऐसा लगता है जैसे मानो कि यहाँ पर हरे भरे हरियाली वाले जंगलों से भरा होगा। लेकिन ये देश केवल नाम से ही ग्रीनलैंड है, क्योंकि अगर आप इस देश में कहीं पर भी अपनी नजरों को फेरेंगे तो आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और इस पूरे देश में केवल 20% हिस्से में ही इंसानों की बस्तियां हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड पहले के समय में साल 1979 ईस्वी में डेनमार्क का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1979 ईस्वी में ग्रीनलैंड ने खुद ही अपने आप को डेनमार्क से अलग कर लिया था और आज के समय में ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है। दोस्तों यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आर्कटिक उत्तर सर्कल में होने की वजह से ग्रीनलैंड अर्धरात्रि सूर्योदय के लिए जाना जाता है। इस देश में अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने तक रात ही देखने को मिलता है। दोस्तों 57,000 आबादी वाले इस छोटे से ग्रीनलैंड देश में मात्र 30,000 कारें ही रजिस्टर्ड है और ग्रीनलैंड को पेट्रोल की सबसे कम खपत करने वाले देशों में गिना जाता है। दोस्तों यहाँ के पूरे 100% लोग मांसाहारी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती करने के लिए जमीन होता ही नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोग समुद्री जीव और शिकार पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों इस देश में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि सर्दियों में ग्रीनलैंड का औसतन तापमान -6 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मियों के सीजन में यहाँ का तापमान केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। दोस्तों अगर बात करें ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी के बारे में, तो इस देश की राजधानी न्यूक शहर है, जहां पर पूरे पॉपुलेशन का 40% आबादी बसती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के प्रमुख शहरों में इल्लोलिसत, सिसिमियत, तासीलाक, काकोरटोक, नरसाकी, आसियात, मैनीतसोक, तासीलक और कंगरतुआसाक है। दोस्तों अगर आपको पोलर बियर अच्छे लगते हैं, तो ग्रीनलैंड में इनकी भरमार है और आपको यहाँ पर काफी संख्या में पोलर बियर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस देश में लोगों के द्वारा दो भाषाएं सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, जिसमें पहला डच और दूसरा ग्रीनलैंडिक, और ग्रीनलैंडिक भाषा को ही पूरे ग्रीनलैंड का आधिकारिक भाषा बनाया गया है। दोस्तों इस देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाइयत है, और दोस्तों ईसाइयत में भी प्रोटेस्टेंट चर्च को जाने वाले 95% लोग रहते हैं। दोस्तों अगर आपको बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटते हुए देखना पसंद है, तो ग्रीनलैंड में ये आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस देश में सारे के सारे घरों को झोपड़ी नुमा बनाया जाता है, क्योंकि छतों के ऊपर बर्फ जमी ना रहे और घरों की छतें ढलान होने की वजह से जमी हुई सारी बर्फ नीचे गिर जाती है। दोस्तों पहले के समय में साल 1986 ईस्वी में अमेरिका ग्रीनलैंड को पूरे $100 मिलियन में खरीदना चाहता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होने के दौरान अमेरिका ने इसी देश को अपना बेस कैंप बनाया था, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए करीबन $100 मिलियन की पेशकश करी थी, लेकिन डेनमार्क ने अमेरिका की इस पेशकश को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। दोस्तों अमेरिका और यूरोप के किसी भी देशों से एरोप्लेन यहाँ पर नहीं जाते, केवल डेनमार्क और आइसलैंड से ही ग्रीनलैंड जाने के लिए फ्लाइट मिलती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ग्रीनलैंड में जाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले या तो आइसलैंड जाना होता है या फिर डेनमार्क। दोस्तों अगर आपको ठंडे पानी में रहने वाले जीव को देखना पसंद है, तो ग्रीनलैंड में इनकी भरमार पाई जाती है। यहाँ पर आप अनगिनत मछलियों के साथ साथ विशालकाय व्हेल मछली और बड़े बड़े शार्क भी देख सकते हैं। दोस्तों भले ही आज के समय में ग्रीनलैंड और डेनमार्क देश एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों की संस्कृति काफी हद तक डेनमार्क में रहने वाले लोगों की तरह मेल खाती है। यहाँ के लोग सबसे अधिक मछलियों पर निर्भर रहते हैं और अपने आसपास के देशों में काफी अधिक मात्रा में मछलियों का एक्सपोर्ट ग्रीनलैंड देश ही करता है।